शामली में सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, लाभार्थियों को स्वरोजगार योजना के तहत दिए चेक। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उलझा दिया जाता था, अब हम लोगों को दे रहे सुरक्षा का वातावरण। पलायन के शिकार लोगों से मिलकर सीएम बोले, सरकार आपके साथ, पिछली सरकारों के चलते हुआ था पलायन, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना का पलायन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, हमारी सरकार में पलायन के लिए मजबूर करने वाले अपराधी खुद पलायन को मजबूर। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। पिछली सरकारों पर सीएम योगी ने वार करते हुए कहा, पहले सरकारें अपने और अपने परिवार के लिए चलती थी, नौकरी भी चेहरा और पैसा देखकर लगती थी। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि था, जो लोग मंदिर जाने में झिझकते थे वो लोग आज लंबा टीका लगाने लगे हैं। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे। मुख्यमंत्री ने माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी अपराधी की हिम्मत धमकी देने की तो दूर, सड़कों पर चलने की भी नहीं है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं क्यों सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर। शामली के कैराना में सीएम योगी ने पलायन के बाद वापसी करने वाले परिवारों से की मुलाकात, बातचीत कर पूछा हालचाल। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा रहे मौजूद। रामपुर पहुंचे सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा भूमाफियाओं को गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने रामपुर की विरासत को मिटाने की कोशिश की, कहा आज रामपुर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी में बिना भेदभाव के काम हो रहा है, भू माफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई, गरीबों को दिए जा रहे आवास, किसानों का कर्जा किया माफ, भू माफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 7:00 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रयागराज दौरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, विश्वविद्यालय के 3 नवनिर्मित भवनों का भी किया लोकार्पण। प्रयागराज में यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बीच हुई मुलाकात, दोनों के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन, सीट शेयरिंग और आरक्षण पर हुई चर्चा। डॉक्टर संजय निषाद के मुताबिक सकारात्मक रही बातचीत, धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी को उचित सम्मान देने का किया वादा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकार से किए सवाल, कहा अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। बसपा प्रमुख मायावती का सपा पर हमला, ट्वीट कर सपा पर दलित और पिछड़े महापुरुषों के अपमान करने का लगाए आरोप, कहा शुरू से ही दलितों पिछड़ों में जन्मे महान संतों गुरुओं और महापुरुषों का तिरस्कार कर रही है सपा।